हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड करके डॉक्टर दिलीप गंगवार सर की एक बुक का रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और एनसीईआरटी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, जो उसकी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है आपको समझ नहीं आती है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के एक एक टर्म को अच्छे तरीके से डिफाइन करके सेंटेंसेस में समझाया गया है। सबसे पहले जब आप इस बुक को ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन किया गया है, एज यू कैन सी ओवर हेयर आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है 11th वाले पार्ट का। एंड यहाँ से इसके चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर इसका कंटेंट है, यहाँ पर सारे के सारे 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, और यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड है। ये मैंने एक स्टिकी नोट बना रखा था इस टॉपिक में, जो जो इम्पॉर्टेंट है उनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और ये लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर सारे के सारी जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसको सारा का सारा पॉइंट्स के फॉर्म में बना करके यहाँ पर लिखा गया है, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी पैराग्राफ पढ़ने में हमें बोरिंग होती है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी, और आपको अच्छे से सारा का सारा कंटेंट आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर आपको पूरा लिविंग वर्ल्ड आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से है, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आता है तो फिर आप इसे बाय कीजिए, अदरवाइज़ आपकी अपना डिसीज़न है। एज यू कैन सी ओवर हेयर, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इस बुक से चैप्टर रिवाइज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको लेंदी से लेंदी चैप्टर आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पर ये लिविंग वर्ल्ड फिनिश हो जाता है, एंड ये नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज यू कैन सी। एंड ये मेरे स्टिकी नोट्स हैं, जो कि इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। एंड यहाँ पर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सारे सारे एनसीईआरटी के टेबल्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, सारे के सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो अगर यहाँ से अगर आप डायग्राम क्लियर करते हैं, तो अगर पेपर में डायग्राम आता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। यहाँ पर ये नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। पूरी बुक के अंदर इन्होंने सारे चैप्टर को इसी तरीके से लिखा गया है, ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। कई जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है नीट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और एज़ यू ऑल नो दैट नीट 2020 का पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आया था। नीट 2020 के बायोलॉजी इतनी इजी आई थी, और सारे के सारे जो क्वेश्चन थे मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, लगभग 95% क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड बुक काफ़ी पतली भी है, और आपको एनसीईआरटी को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी, और एनसीईआरटी में जो डिफ़िकल्ट आपको टर्मिनोलॉजी लगते हैं उनके सिंप्लीफाइड सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। एंड ये एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड का 12th वाली बुक है। एंड इस बुक की जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं, लगभग 150 रुपीज़ है। एंड इसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इसका कंटेंट दिया गया है, सारे के सारे चैप्टर एनसीईआरटी के हैं, एज यू कैन सी इन द टेबल। ये पहला चैप्टर है, मैं आपको पूरा चैप्टर दिखा देता हूँ अच्छे से। गाइस, इस बुक के सारे चैप्टर मैं आपको डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं इस बुक को लेने का, तो आप जान सकें कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो किस टाइप का है, कि आपको इस बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये बुक परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ बाद में आप ये सोचें ना कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। गाइज, मैं इस बुक के आपको प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ। जो इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें एनसीईआरटी को अच्छे से सिंप्लीफाइड करके समझाया गया है पॉइंट्स के थ्रू, और सारे के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स कवर किए गए हैं, और सारे के सारे फ्लो चार्ट्स और टेबल्स को कवर किया गया है, जिससे कि आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चैप्टर को समझने में। और इसका जो कॉन है वो सिर्फ एक ही है, कि इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको अलग से बुक परचेस करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से ये ठीक भी है, कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड बुक आपको परचेस ज़रूर करनी चाहिए।
लाइक अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप खरीदनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है, या डॉक्टर अली खरीदनी चाहिए। एक्चुअली एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप के रिव्यू की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके लिंक देख सकते हैं। और आपको अगर उसका फिंगर टिप का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैंने शेयर कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके उसे भी ले सकते हैं। एंड ओवरऑल ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने इसे पर्सनली काफ़ी पढ़ा है, आप इस पर देख भी सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारा अंडरलाइन भी किया है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिन्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लगती है या उन्हें समझ नहीं आता है, तो उनके लिए ये बुक काफ़ी स्पेशली बनाई गई है। ये कानपुर के एक टीचर हैं डॉक्टर गंगवार सर, इन्होंने अपना MBBS किया है KGMU लखनऊ से, एंड ही इज़ अ ग्रेट टीचर ऑफ बायोलॉजी बेसिकली। सो आई विल सजेस्ट यू टू बाय इफ़ यू फाउंड दैट दिस इज़ यूजफुल, एंड अदरवाइज डोंट बाय बिकॉज एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। गाइज अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने ये बुक पढ़ भी ली है लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बिकॉज पेपर में जो लैंग्वेज आती है वो एनसीईआरटी से आती है और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी एक दो बार। लेकिन आप इस बुक को पढ़ने के बाद पढ़ें एनसीईआरटी तो आपको समझ में भी आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो गाइज ये थी एक छोटी सी रिव्यू वीडियो आपके लिए, होप कि आपको इससे हेल्प होगी। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर नीट गाइडेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन स्टडीज़ एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एज वेल एज स्टडी मटेरियल रिव्यूज़, एंड दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।